हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ, OSSTET के जो 2021 के लिए सिलेबस अवेलेबल हो चुके हैं, तो आपको सिलेबस को कैसे किस तरीके से चेक करना होंगे, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ चेक करके बताऊँगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो OSSTET के जो कैसे चेक करना है, किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है OSSTET 2021 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको OSSTET के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो सर्च करनी होती है, ठीक है, सर्च कर लेना है। आपको सर्च करते फर्स्ट वाले लिंक पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है? क्योंकि यहाँ पर IAS.com लिखी हुई है, तब क्लिक करना है। तब यहाँ पर क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन होते हैं। वैसे भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दे रखा, तो ओपन करके आप इस पेज पर आ जाइए, जहाँ से आप क्या कर पाएंगे, अपना सिलेबस चेक कर पाएंगे। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इवेंट, रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, आंसर की रिजल्ट, सबके बारे में यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके चेक करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करना है, जो सामने आपके फॉर्म है। आपका नाम क्या है, आपका ईमेल नाम लिख देना, आपका ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी देना, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको टाइप करने होंगे, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, कौन सा स्टेट है आपका। ओके, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। ओके, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सा कोर्स में इंटरेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फिर गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक कर देने। तो उससे ये हुआ कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे। तो गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक करना है। तो आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 7th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आप एडमिशन कैसे लेंगे, तो लेंगे तो किस तरीके से, क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि बड़े बड़े दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो जब आप उनसे, जब उनके साथ आप खेलते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, आपका टैलेंट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका माइंडसेट एक्सचेंज होता है, और वो सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। तो इनसे क्या होता है, आपको जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप जरूर इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन जरूर लीजिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करते हैं न्यू टैब में होते, जहाँ पर आपको ओपन होते ही यहाँ पर सिलेक्शन वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हैं आपका सिलेबस है। आप नीचे आएंगे, सिलेबस चेक हियर अवेलेबल, तो सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कंपलसरी ओडिशा इंग्लिश यहाँ पर देख सकते हैं, ओडिया इंग्लिश। तो TD Art, PCM, CBZ, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू और पैडागोजी पेपर्स सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर आपको जिसको भी क्लिक करके चेक करना होगा, आप ऐसे क्लिक करना है और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर दी ओडिशा सेकेंडरी स्कूल ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, ओके। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे, पेपर यहाँ पर बता सकते हैं कौन से कैटेगरी के लिए पेपर फर्स्ट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आप PET के लिए यहाँ पर बताएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेबिलिटी, यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर देखे थे, एरिया ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने मार्क्स अलॉटेड है आपको, और कैटेगरी पोस्ट क्या है, कंपलसरी ऑल क्या है, किस तरीके से, और डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है फाउंडर कौन है, तो इस तरीके से देखना है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो यहाँ पर बताया गया, जैसे कि हिंदी है, तो हिंदी पर क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हिंदी के 60 मार्क्स के लिए जितने भी सारे यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको सभी सिलेबस के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर उर्दू है, उर्दू भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से आपको तेलुगु भी है, तेलुगु चेक कर लीजिए। फिर PGDMAT, सिंपल है काफ़ी। फिर लास्ट सेकेंड वाला अगर चेक करना चाहता हूँ तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं तमिल में, तो ये बहुत सिंपल है। कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे जैसे आप आए, ठीक है, आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, बहुत सिंपल है। तो चलिए, कुछ भी डाउट होता है डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दे रखा, ओपन करके आप इस पेज पर आ जाइए। थैंक यू सो मच।